Hello everyone, welcome to Shake Hand with Life YouTube channel. मैं नरेंद्र शर्मा. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कानो मॉडल. कानो मॉडल को एक जैपनीज प्रोफेसर नोरियाकी कानो ने 1984 में डेवलप किया. कानो मॉडल के थ्रू प्रोफेसर नोरियाकी कानो ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कंसेप्चुलाइज किया विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री द्वारा फुलफिल की जाती हैं, कितने अच्छे तरीके से कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री फुलफिल करती है, इस बात के ऊपर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन के इसी कंसेप्ट को प्रोफेसर नोरियाकी कानो ने अपने मॉडल कानो मॉडल के थ्रू कंसेप्चुलाइज किया और डिस्क्राइब किया. अब ये कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी है जिनके बेसिस पर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, एक्साइटमेंट रिक्वायरमेंट्स, इनडिफरेंस रिक्वायरमेंट्स और रिवर्स रिक्वायरमेंट्स. इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर हम कानो मॉडल के थ्रू इस वीडियो में कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है जब वो रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री द्वारा फुलफिल किया जाता है. सबसे पहले कानो मॉडल को समझते हैं. कानो मॉडल के अंदर दो एक्सिस हैं, एक वर्टिकल एक्सिस है और दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. वर्टिकल एक्सिस के टॉप में है सेटिस्फाइड कस्टमर्स और बॉटम में है डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स. हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लेफ्ट में है पुअर एग्जीक्यूशन, इसका मतलब है जब रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल भी मीट नहीं करती कस्टमर की वो, और राइट में है एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन, यानी कि जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से मीट करती हैं वो केस. तो ये चार क्वाड्रेंट हमारे पास तैयार हो गए. इन्हीं चार क्वाड्रेंट्स के अंदर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन वेरी करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है डिपेंडिंग अपॉन कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को कितने अच्छे तरीके से फुलफिल किया गया है. सबसे पहले परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर किस तरह से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है. किसी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, कस्टमर भी उतना ही ज्यादा सेटिस्फाइड होगा. परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कस्टमर के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कस्टमर को कार परचेज करनी है तो वो उसकी माइलेज को कंसीडर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये मॉडल देखेंगे, कानो मॉडल देखेंगे, तो कानो मॉडल से पता लग रहा है कि कार की माइलेज अगर 15 किलोमीटर पर आवर है कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा उसे, क्योंकि ये पुरानी बात है कार की माइलेज 15 किलोमीटर पर आवर है. लेकिन अगर कार की माइलेज वो एक ऐसे शोरूम में जाता है जहां पर ये क्लेम किया जा रहा है कि कार की माइलेज 20 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका सेटिस्फेक्शन ना तो हाई होगा ना लो होगा, वो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि ये जनरल बात है लगभग सभी कारों की माइलेज 20 किलोमीटर पर आवर तो मिल ही जाती है. लेकिन अगर उसे किसी ऐसे शोरूम में ये क्लेम मिलता है कि वो कार की माइलेज 25 किलोमीटर पर आवर दे रहे हैं, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन उस केस में बहुत हाई रहेगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा उस केस के अंदर जहां पर उसे कार की माइलेज 25 किलोमीटर पर आवर मिलती है. इसका मतलब यह है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करेगा प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के साथ साथ. अगर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस हाई होगी तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी हाई होगा, और अगर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस लो होगी तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी लो ही होगा. इसी तरह से अगर हम सर्विस इंडस्ट्री का एग्जांपल लें, अगर होटल बुकिंग के दौरान कस्टमर को मिलता है कि चेक इन टाइम
10 मिनट का है तो उसका सेटिस्फेक्शन लो होगा, और अगर इसे ये मिलता है कि चेक इन टाइम किसी होटल में 5 मिनट है तो वो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि ये बात उसके लिए जनरल है। लगभग सभी होटल्स के अंदर 5 मिनट का चेक इन टाइम तो मिल ही जाता है। लेकिन अगर उसे किसी होटल के अंदर चेक इन टाइम 3 मिनट का मिलता है तो ये उसके लिए बहुत सेटिस्फेक्ट्री बात होगी, यानी कि ये बात उसके सेटिस्फेक्शन को एक हायर लेवल पर लेकर के जाएगी। तो सर्विस इंडस्ट्री में भी अगर चेक इन टाइम 10 मिनट है तो सेटिस्फेक्शन लेवल लो रहेगा, और अगर चेक इन टाइम 5 मिनट है तो कस्टमर न्यूट्रल रहेगा, ना तो सेटिस्फेक्शन हाई होगा ना सेटिस्फेक्शन लो होगा। और अगर चेक इन टाइम 3 मिनट है तो उस केस में कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हाई होगा। तो कानो मॉडल के थ्रू परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को बड़े इजीली समझा जा सकता है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन किस तरह से वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और सर्विस परफॉर्मेंस, के प्रोडक्ट या सर्विस की परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेसिस पर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है। जितना ज्यादा परफॉर्मेंस होगा प्रोडक्ट का या सर्विस का, उतना ही कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हाई होगा, और कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले या सर्विस को परचेज करने से पहले इस बात को बहुत ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से इवेल्युएट करता है कि प्रोडक्ट या सर्विस की परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स थी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, जिनके बेसिस पर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अब बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स की। बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें कस्टमर ये मान के चलता है कि ये रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल होंगी ही होंगी जब वो किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा या किसी सर्विस को खरीदेगा। कस्टमर ये मान के चलता है कि तो मस्ट भी रिक्वायरमेंट है, थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट है, और कस्टमर इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड करके चलता है, फॉर ग्रांटेड मान के चलता है कि ये रिक्वायरमेंट्स तो उसे उसकी फुलफिल होंगी ही होंगी जब वो कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा या कोई सर्विस परचेज करेगा। और कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा कब? अगर ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होंगी, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होगा अगर वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स तो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, होटल के रूम में वाईफाई का होना बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल के होने जैसा है। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, कोई बात नहीं करेगा, अगर वाईफाई रूम के अंदर होगा तो, लेकिन अगर वाईफाई रूम के अंदर नहीं होगा तो कस्टमर जरूर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। वाईफाई रूम के अंदर होगा तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट में कंसिडर करके चल रहा है कस्टमर। लेकिन अगर वाईफाई रूम के अंदर नहीं होगा तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड जरूर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट के केस में, मोबाइल के अंदर कैमरा होगा तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मोबाइल के अंदर कैमरा नहीं होगा तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड जरूर हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल के अंदर कैमरा होना बेसिक रिक्वायरमेंट है, मस्ट बी रिक्वायरमेंट है। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट, जिनके बेसिस पर कस्टमर डिससेटिस्फाइड तो जरूर होता है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि इन्हें कस्टमर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट या मस्ट बी रिक्वायरमेंट या इन रिक्वायरमेंट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड करके चलता है। अब बात करते हैं एक्साइटमेंट रिक्वायरमेंट्स की। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन एक्साइटमेंट रिक्वायरमेंट्स के केस में किस तरह से वेरी करता है, इसी को कानो मॉडल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। एक्साइटमेंट रिक्वायरमेंट के केस में कस्टमर डिससेटिस्फाइड नहीं होता, इनफैक्ट वो सेटिस्फाइड जरूर होता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल एक हायर लेवल पर चले जाता है। ये रिक्वायरमेंट्स कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए या सर्विस को परचेज करने के लिए,
और ये कैसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये इनोवेटिव हैं, कोई ना कोई इनोवेशन प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर किया गया होता है जिसकी वजह से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट या सर्विस के केस में एक हायर लेवल पर चले जाता है। कस्टमर डिससेटिस्फाई नहीं होता अगर ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती हैं तो। अगर ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल एक हायर लेवल पर चले जाता है। लेकिन कस्टमर डिससेटिस्फाइड नहीं होता अगर वो रिक्वायरमेंट्स मिसिंग है तो प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 48 मेगापिक्सल का कैमरा मोबाइल के अंदर आना कस्टमर को एक्साइट करता है और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल एक हायर लेवल पर चला जाएगा जब वो 48 मेगापिक्सल कैमरा का मोबाइल परचेज करेगा तो। लेकिन अगर मोबाइल के अंदर 20 मेगापिक्सल का कैमरा है तो वो डिससेटिस्फाई नहीं होगा कस्टमर, उसका सेटिस्फेक्शन लोअर लेवल पर नहीं जाएगा, कस्टमर डिससेटिस्फाई नहीं होगा अगर मोबाइल के अंदर 20 मेगापिक्सल का कैमरा है तो। इसी तरह से अगर मोबाइल के अंदर 128 GB की मेमोरी आती है तो ये बात कस्टमर को एक्साइट जरूर करेगी, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल एक्साइटिंगली हायर लेवल पर चला जाएगा। लेकिन अगर 64 GB की मेमोरी मोबाइल के अंदर है तो उसकी वजह से कस्टमर डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। इसलिए ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्साइटमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं और इनोवेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं। कॉन्टिन्यूसली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री इनोवेटिव रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है कस्टमर को, जिससे कि नए प्रोडक्ट या नई सर्विसेज को मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से लॉन्च किया जा सके। एक इंटरेस्टिंग बात है एक्साइटमेंट रिक्वायरमेंट्स से जुड़ी हुई, और वो ये है कि ओवर द टाइम एक्साइटमेंट रिक्वायरमेंट्स शिफ्ट कर जाती है बेसिक रिक्वायरमेंट्स में। फिर कस्टमर ये मान के चलता है कि इतना तो होना ही चाहिए था, उसका सेटिस्फेक्शन लो हो जाएगा अगर ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होंगी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के केस में। तो ओवर द टाइम एक्साइटमेंट वाली रिक्वायरमेंट्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स में बदल जाती हैं। फॉर एग्जांपल कभी ऐसा भी होता था कि मोबाइल के अंदर कैमरा जब नहीं आया था तो कस्टमर के अंदर कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं था, लेकिन जब मोबाइल के अंदर कैमरा आया तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन एक हायर लेवल पर चला गया। मोबाइल के अंदर कैमरा ने कस्टमर को एक्साइट किया, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल एक हायर लेवल पर चला गया। लेकिन आज की डेट में अगर मोबाइल बिना कैमरा के है तो ये बात कस्टमर को डिससेटिस्फाई जरूर करेगी, क्योंकि अब कस्टमर ये मान के ही नहीं चलता कि कोई मोबाइल बिना कैमरा के भी होना चाहिए, वो ये मान के चलता है कि मोबाइल के अंदर कैमरा तो होना ही चाहिए। इसलिए एक्साइटमेंट रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट है जो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को एक हायर लेवल पर लेके जाती हैं, उसे एक्साइट करती हैं, उसे अट्रैक्ट करती हैं प्रोडक्ट के को परचेज करने के लिए या सर्विस को परचेज करने के लिए। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को इनोवेट करते रहना चाहिए, नया बनाते रहना चाहिए, जिसकी वजह से कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को एक हायर लेवल पर लेके जाया जा सके। कानो मॉडल में अब बात करते हैं इनडिफरेंस जोन या इनडिफरेंस रिक्वायरमेंट्स की। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी वजह से कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है और ना ही उसका सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होता है, वो न्यूट्रल ही बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल एटीएम मशीन के अंदर टच स्क्रीन का होना, एटीएम मशीन के अंदर टच स्क्रीन के होने से ना तो कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई होता है ना कस्टमर डिससेटिस्फाई होता है। टच स्क्रीन के एटीएम मशीन के होने से या ना होने से कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को इनडिफरेंस रिक्वायरमेंट या जहां पर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन न्यूट्रल रहता है, इसे हम इनडिफरेंस जोन कहते हैं।
कानो मॉडल में अब बात करते हैं रिवर्स रिक्वायरमेंट्स की। कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जिनकी वजह से कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, यानी कि उन सर्विसेज या प्रोडक्ट के होने से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन डिक्रीज कर जाता है, कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी वेबसाइट के अंदर एंटर होने के लिए लॉगिन का होना, या सिक्योरिटी चेक, शॉपिंग मॉल के बाहर सिक्योरिटी चेक का होना। कस्टमर सिक्योरिटी तो चाहता है, लेकिन जब सिक्योरिटी चेक होती है तो उसकी वजह से कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाता है। इसी तरह से शॉपिंग मॉल के बाहर पेड पार्किंग का होना, पार्किंग तो चाहिए लेकिन अगर वो पार्किंग पेड है तो कस्टमर के अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस होता है। यानी कि ऐसी सर्विसेज जिन सर्विसेज की वजह से या जिन प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट्स के फुलफिल होने से कस्टमर के अंदर डिससेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस होता है, इन्हें रिवर्स रिक्वायरमेंट्स कहा जाता है। तो कानो मॉडल बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज रिक्वायरमेंट्स, कितने अच्छे तरीके से डिलीवर की जा रही हैं या एग्जीक्यूट की जा रही हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स हैं परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। ये प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। जितनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन कस्टमर का होगा प्रोडक्ट को लेकर के या सर्विसेज को लेकर के। दूसरे टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स। इन्हें कस्टमर ये मान के चलता है कि ये तो प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर होनी ही चाहिए, फॉर ग्रांटेड करके चलता है। अगर ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती तो कस्टमर जरूर डिससेटिस्फाइड होगा, लेकिन अगर फुलफिल हो रही है तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, उसके लिए ये नॉर्मल बात है। तीसरे टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं एक्साइटमेंट रिक्वायरमेंट्स। इनके ना होने से कस्टमर डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, इन रिक्वायरमेंट्स के फुलफिल होने से कस्टमर एक्साइट जरूर होता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल एक हायर लेवल पर चला जाता है। फोर्थ टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है इनडिफरेंस रिक्वायरमेंट्स। इन रिक्वायरमेंट्स के फुलफिल होने से या इन रिक्वायरमेंट्स के फुलफिल ना होने से कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल ही बना रहता है। और फिफ्थ टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है रिवर्स रिक्वायरमेंट्स। इन रिक्वायरमेंट्स के फुलफिल होने से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन डिक्रीज कर जाता है, वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है। ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये था कानो मॉडल, जो कि बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को, कि कैसे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करता है जब उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं या जब उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती हैं। तो कानो मॉडल को लेकर अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ। शेक हैंड विथ लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।